हाय गाइस, तो चलिए फिर मैं आपको लेके चलती हूँ उस जगह पे। आज है 20 अगस्त और मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ में एक जगह जा रही हूँ और आपको भी लेकर चल रही हूँ। तो ये एक सरप्राइज़ था जो कि मैंने आपको पिछले किसी भी वीडियोस में नहीं बताया। उससे पहले मैं आज भी आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहती है। तो चलिए फिर फटाफट, अजय ने अपनी कार निकाल ली है और हम लोग जा रहे हैं उसी रास्ते पे। तो मैं आज आपको वो सारे जो है खुलासे आज मैं करने वाली हूँ। आज कहते हैं ना कि कोई क्लिकबेट नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं होगा कि भी जो बाहर मैं टाइटल में लिखूंगी और वो चीज़ अंदर ना हो। तो आज टाइटल भी वही होगा और जो मैं करने जा रही हूँ वो भी वही। वैसे लोग यही कहते हैं कि ये सब चीज़ें कभी बतानी नहीं चाहिए, ये गुप्त दान होता है, इसे गुप्त दान कीजिए। पर नहीं, मैं ये हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत ही जल्दी ये है हमारी बर्थडे गर्ल आरु। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। हम लोग उस जगह जा रहे हैं जहाँ पे आप लोगों को पता चलेगा कि मैंने क्या किया है। आज ही वीडियो बिल्कुल कहते ना कि नो क्लिकबैट जो है वो वाली वीडियो है, बिल्कुल रियल है, बिल्कुल रियल। मैं इस वक्त रास्ते में हूँ और हम लोग जा रहे हैं बिल्कुल उसी जगह पे जहाँ पे मैं आपको सरप्राइज देने वाली हूँ। ठीक है, तो आज आप लोगों को पता चलेगा कि एक्चुअल में मैंने अपनी YouTube की फर्स्ट पेमेंट से क्या किया है, और वो भी स्पेशल दो रीज़न है मेरे पास। हाँ मेरे बट नहीं, एक मिनट को, वो भी स्पेशल दो रीज़न है कि आज तो आरू का हैप्पी बर्थडे है और आरू की नाना जी का भी हैप्पी बर्थडे है जो इस दुनिया में नहीं है। तो मेरे लिए ये दिन बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगर पापा होते तो बात ही कुछ और होती, लेकिन ये कोइंसिडेंस है कि मेरे पापा के जाने के बाद सेम डेट को आरवी पैदा हुई। 20 अगस्त को मेरे पापा का बर्थडे है और 20 अगस्त को ही आरवी का बर्थडे है। आज है 20 अगस्त। मैं कोशिश करूँगी कि ये वीडियो आज की आज ही अपलोड हो सके, और उसके बाद जो भी तैयारी वगैरह होंगी आरवी के बर्थडे को लेके वो मैं आप लोगों को अपडेट ज़रूर करूँगी। ठीक है, और मैं आज जो करने वाली हूँ मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ। ये मैंने काफ़ी टाइम सोचा हुआ था और मैंने ये बोला हुआ था कि जब भी जैसा भी होगा, जैसी भी चीज़ें जाएंगी उस हिसाब से मैं ये काम करूँगी। तो चलो फिर चलते हैं, मिलती हूँ सीधा आगे उसी जगह पे। तो चलो फिर। तो रास्ते में हमें मिल गया है बंदर। तो बंदर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। रास्ते में हमें मिला था, तो एक ऐसी ये लंगूर है, बंदर नहीं है, लंगूर है। तो हम लोग चल पड़े हैं अपने रास्ते में, तो मैं आपको सीधा आके लेके चलती हूँ। थोड़ा थोड़ा बारिश का मौसम भी हो रखा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोग पहुँच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन। यहाँ पे आपको हमारी कार दिख रही होगी और कुछ जो है जेंट्स दिख रहे हैं। तो जी हाँ गाइज, मैं एक ऐसी जगह पे आई हूँ जहाँ पे बच्चे जो है, क्या कहते हैं उनको, चाइल्ड ऑफनेज कह सकते हैं आप उनको। तो मैं आई हूँ एक चैरिटेबल ट्रस्ट पे, तो पापा के बर्थडे पे और आरवी के बर्थडे वाले दिन मैंने जो है अपनी YouTube सैलरी का कुछ हिस्सा चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेट किया है। लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि मैं वहाँ पे कोई चेक या कैश दूँ, क्योंकि वहाँ तक वो चीज़ उनके हाथ तक नहीं लगती। तो ऐसे में मैंने सामान देना ही सही समझा, इसलिए मैं यहाँ पे सारा सामान जो है हम लोग उनको हैंड ओवर कर रहे हैं। और उसके बाद हम लोग घर जाएंगे और फिर घर पे आरवी के बर्थडे वाले दिन की तैयारी करनी शुरू करेंगे। तो चलिए फिर मैं फटाफट से सारा सामान हैंड ओवर करके और उनसे मिलके वापस घर पे आपको मिलती हूँ। तो फाइनली मैं वापस घर पे आ चुकी हूँ, और हम जैसे कि मैं आपको प्रॉपर वहाँ नहीं दिखा पाई थी क्योंकि मैंने वहाँ परमिशन नहीं ली थी कि मैं शूट करूँगी करके। तो मैं वहाँ पर गई थी चाइल्ड ऑफनेज, चैरिटेबल ट्रस्ट है वो एक, तो वहाँ पे लोग चैरिटी देते हैं और वहाँ पर कुछ 50 से 55 बच्चे वहाँ पे हैं जिनको मैं नहीं मिल पाई क्योंकि ड्यू टू पेंडेमिक सिचुएशन उन्हें जो है दूसरे हॉस्टल शिफ्ट कर दिया गया था। और हम गए थे मेन ब्रांच पे जहाँ पे उनके खाने पीने का ध्यान रखा जाता है या उनके साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाता है। तो हम वहाँ गए थे और हम लोगों से जितना हो पाया मैंने वहाँ पे लेकर आई हूँ क्योंकि आज मेरे पापा का बर्थडे भी है और आरवी का बर्थडे भी है।
तो हम वहाँ पर जो है उनके मतलब कि खाने पीने के सामान जो है वहाँ पर हम लोग देख कर आए हैं। तो ये चीज़ थी जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती थी। तो ये चीज़, ये स्पेशल चीज़ मेरे दिमाग में काफ़ी टाइम से चल रही थी कि मुझे करनी है, और फाइनली आज वो हो गई और मैं बहुत खुश हूँ। एक ऐसा लग रहा जैसे कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो गई है, काफ़ी दिनों सोचा हुआ था। तो मैंने अपनी यूट्यूब की जो सैलरी है वो यहाँ पे दी है। मैं नहीं चाहती थी कि मैं कैश दूँ या चेक दूँ वहाँ पे, मुझे लगा कि मुझे सामान ही देना चाहिए। तो मैंने वहाँ पे उनसे बात कर ली थी, उनसे सारा सामान लिखवा दिया था कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है। तो जो भी रिक्वायरमेंट थी, तेल, साबुन, सर्फ, सब्जियाँ या जो सूखा राशन होता है वो, बच्चों के स्नैक्स वगैरह, बिस्किट, ब्रेड है ना, और चावल, दाल, नमक जो है ज़्यादा ज़्यादा क्वांटिटीज़ में, 10 किलो, 20 किलो, ऐसे करके मैं वहाँ पर सामान को देकर आई हूँ। सामान मैं आपको प्रॉपर दिखा नहीं पाई हूँ क्योंकि हम लोग घर पे नहीं लेकर आए थे उन सामान को, गाड़ी में ही रखा हुआ था। और थोड़ा बहुत फ्रूट्स देकर आए हैं, और वो सब चीज़ें बच्चों को मिल जाएंगी खाने के सिस्टम में। तो बस यही था, और बस अब मैं फटाफट से जो है बिज़ी होने वाली हूँ। शाम के 7 बजे का जो है अभी का केक कटिंग है, और बहुत ही कम बच्चों को इनवाइट किया है क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी, मतलब आप समझ सकते हो। खैर छोड़ो, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाने वाली हूँ। तो आज की वीडियो के लिए बस यही है। आप लोग आरवी को उसके बर्थडे पे ढेर सारी विशेस दीजिए, और बस चलिए गाइस, फिर मैं तैयारी करना शुरू करती हूँ। मुझे बहुत सारा काम करना है, बहुत सारे स्नैक्स बनाने हैं, खाना बनाना है बच्चों के लिए। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, रखती हूँ, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।